आज हमारे कश्मीर ट्रिप का है 5वां दिन। हम लोग सुबह ही जल्दी उठकर तैयार होकर के जल्दी से ही आ जाते हैं, रिसेप्शन पर वेट कर रहे हैं। हालांकि हमारे ड्राइवर भैया थोड़ा सा लेट थे, तो जब वो जैसे ही आते हैं हम लोग कार में बैठ जाते हैं और चल देते हैं आज की जर्नी की शुरुआत करने। आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम, श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हैं और यहाँ से थोड़ा सा दूर है पहलगाम, इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। और जहाँ रास्ते में जो कोई भी व्यूज़ पॉइंट मिलते थे वहाँ पर हम लोग फोटो क्लिक कराते थे। ये है वो जगह जहाँ पर सैफ्रॉन उगाया जाता है, हालांकि अभी सीज़न नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो हम लोग बस वहाँ पर उतरे और फ़ोटो क्लिक करवाया और फिर वहाँ से चलते बने। फिर रास्ते में देखिए आप मौसम कैसा हो रखा है। इसके बाद यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करके ही पहलगाम में जो व्यूज़ पॉइंट है, जो वैली है, वहाँ पर जाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करते हुए जाते हैं। और काफ़ी लंबा चलना था और आराम से धीरे धीरे भैया लेके जा रहे थे। रास्ते पहले तो बहुत ही आसानी से रोड से ही जा रहे थे, लेकिन बाद में बहुत रास्ते उबड़ खाबड़ से और ऊंचाई की तरफ जाने की तरह थे, आप देख सकते हैं पिक्स में। और जहाँ जहाँ पर कुछ व्यूज़ पॉइंट मिल रहे थे वहाँ पर जो हॉर्स वाले भैया थे वो हमारी लोगों की फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक ऐसे प्लेस पर जिसको कहा जाता है यहाँ का मिनी स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रीनरी था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा व्यूज़ था, बहुत ही अच्छा प्लेस था ये, बहुत ही यहाँ पर कूल भी था। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई, बहुत सारे वीडियो बनवाए। यहाँ पर वीबो ने जिप लाइन एक्टिविटी भी की और बहुत ही इन्जॉय किया इसे। पहले वो बहुत डर रहे थे लेकिन बाद में बहुत ही इन्जॉय किया। यहाँ से हम लोगों को बाय बाय भी किया और बहुत ही खुश थे। काफ़ी यहाँ पर जगह अच्छी थी, बहुत ही मौसम भी बहुत बादल घेरा हुआ था, बिल्कुल लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी। हल्की फुल्की बारिश हुई भी थी फिर बाद में बंद हो गई। फिर ये हमारे हस्बैंड हैं जो इस तरह की चीज़ें करते ही रहते हैं, इन्होंने उनकी स्टॉल ले ली चुरमुरा वाली और यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल चुरमुरा बनाया और मुझे दिया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए, पहले मैंने उनको 50 रुपीज़ दिया बट वो मुझे वापस कर दिया, कहने 50 रुपीज़ में ये स्पेशल चुरमुरा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेरे से 500 रुपीज़ लिया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉल वाले भैया मिल जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैम ये स्टॉल ले लीजिए, बहुत उसके बारे में बताया ऐसा है वैसा है बट ठीक था, सॉफ्ट था। इन्होंने 1500, 2000, 3000 इस तरह के प्राइस बताए थे बट हमने बार्गेनिंग के बाद 3300 के बहुत सारे स्टॉल ले लिए थे, सोचा चलो ले लेते हैं, सबको गिफ्ट भी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बीबू को मेमना दिख जाता है तो ये उसके साथ फ़ोटो वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मम्मा। और ये 50 रुपये लिया था इन्होंने मुझसे एक लोगों की फ़ोटो या वीडियो इसके साथ बनाने के लिए। बीबू ने मेमना को लेकर बहुत प्यार भी किया था, बहुत देर तक अपने पास भी रखा था उसको। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, बहुत सारा वीडियो भी बनाया और बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया इस जगह पर आकर के। बहुत देर तक हम लोगों ने यहाँ पे टाइम बिताया, कम से कम 4 से 5 घंटा यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया आराम से। बहुत ही अच्छा जगह था, आकर बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पर। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े फिर से हॉर्स राइडिंग करते हुए। आप जगह तो देख ही सकते हैं कितना उबड़ खाबड़, शॉर्टकट से भैया लेके गए थे और बहुत ही डर लग रहा था बट धीरे धीरे हम लोग पहुँच ही गए थे। फिर हम लोग अपनी गाड़ी से वापस आ जाते हैं। फिर रास्ते में यहाँ पर एक एप्पल का बगान मिलता है जहाँ पर बहुत सारे एप्पल थे और इतना करीब से, इतना पास से पहली बार एप्पल को देखा था, एकदम अपने हाथों से टच किया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ के जो बगान की देखरेख करने वाले भैया थे वो बोले कि आप लोग इसे तोड़िएगा मत, तो गलती से एक टूट भी जाता है बट बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको छूना, इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था ये, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आ करके। अभी तक हम लोग एप्पल सिर्फ खाते थे बट यहाँ पर आकर बागान को देख करके इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना और इसके साथ वीडियो बनवाना बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, फिर होते होते सुबह से शाम हो जाती है। फिर हम लोग पहलगाम में ही आज रुकना था हालाँकि, तो कोई टेंशन नहीं था। फिर हम लोग यहाँ की मार्केट घूमते और भूख भी लग गया था बहुत तेज़ी से, तो फिर यहाँ पर मार्केट घूमने के बाद, हालांकि बहुत कॉस्टली मार्केट था पहलगाम का तो हम लोगों ने कुछ लिया नहीं था। फिर उसके बाद भूख शांत करने के लिए पहुँच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, उसके बाद हम लोग यहाँ पर खाना खाते हैं।
और यहाँ पर बारिश भी अच्छा खासा हो गया था पहलगाम में। उसके बाद हम लोग वहाँ से खाना खा के वापस आते हैं और इस तरह से आज घूमते हुए हम आ जाते हैं अपने होटल में। होटल क्या था, ये था कॉटेज, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत था, जो कि विलेज एरिया में था लेकिन बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्रेश होकर के अपने कल की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी पहलगाम हमने आधा ही घूमा है, अभी कल हमें फिर से पहलगाम घूमना है, उसके बाद रिटर्न जाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।